वैशाली के महुआ के सिंघारा टाड़ा में एक 10 वर्षीय बच्चा विशाल की हुई निर्मम हत्या की जांच करने वैशाली एसपी मनीष सिंघारा गांव पहुंचे। इस दौरान सब मिलने वाले स्थान की एसपी ने सघन जांच की। इस दौरान एसपी ने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठन किया जाएगा और हत्यारों की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब हो कि महुआ थाना क्षेत्र के सिंघारा गांव निवासी विमल राय के 10 वर्षीय पुत्र विशाल की निर्मम हत्या कर शव को एनएन कॉलेज सिंघारा के पास कूट फैक्ट्री के पानी के हौज में फेंक दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और विशाल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। इसी को लेकर एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया तथा महुआ थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ पूनम केसरी को कई आवश्यक निर्देश दिए। रेड बॉडी मिली थी कल शाम के बाद की घटना है और हम लोग घटनास्थल पर देख रहे हैं, इसमें एसआईटी बना रहे हैं। जो इनपुट्स हैं उसका वैज्ञानिक तरीके से और मानवीय बिंदुओं का अनुसंधान वो अच्छे से हो, इसलिए हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं। अब तक क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उसके बाद हम लोग कुछ क्लूज मिलेंगे और जो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड मंगाया था फॉरेंसिक रूप से उसकी जाँच हो रही है, देन वी विल बी एबल टू गेट अ बेटर।